श्रीलंका को मंगलवार को यहां एशिया कप के अंतिम ग्रुप मैच में अफगानिस्तान पर 2 रन की रोमांचक जीत से सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। श्रीलंका ने ग्रुप के अपने दोनों मैच जीते जिससे 4 अंक उनके रहे। श्रीलंका ने दरअसल टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस की 92 रन की पारी की बदौलत 8 विकेट पर 291 रन बनाए। अफगानिस्तान को ग्रुप बी में सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने के लिए यह लक्ष्य 37.1 ओवर में पूरा करना था, लेकिन अफगानिस्तान मोहम्मद नबी की 6 चौके और 5 छक्के से जड़ी 65 रनों की तूफानी पारी और खिलाड़ियों के अंत तक पूरा जोर लगाने के बावजूद 37.4 ओवर में 289 रन बनाकर बाहर हो गया। इसके बाद अफगानिस्तान के मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि हमें नेट रन रेट की गणना की पूरी जानकारी नहीं थी और अगर उन्हें पता होता जो शायद एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबले के दौरान उन्हें फायदा हो सकता था। एशिया कप मैच में पहले बांग्लादेश से हारने के बाद अफगानिस्तान को ग्रुप बी में शीर्ष 2 टीमें में शामिल होने और सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए मंगलवार को श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना था जिससे उसका नेट रन रेट बेहतर हो सके। अफगानिस्तान अगर 37.1 ओवर में 292 रन का लक्ष्य हासिल कर लेता तो क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन वो अन्य अनुकूल संयोजन से अनजान थे जिससे 38.1 ओवर तक उनकी उम्मीदें बरकरार रहती। मोहम्मद नबी और अशमतुल्ला शाहिदी जैसे खिलाड़ियों की बड़ी हिटिंग ने अफगानिस्तान को 37 ओवर में 8 विकेट पर 289 रनों पर पहुंचा दिया था। हालांकि ये मानते हुए कि नेट रन रेट श्रीलंका से आगे निकलने के लिए उन्हें अगली गेंद पर 3 रन चाहिए, मुजीबुर रहमान बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में मारकर कैच दे बैठे। ये मानते हुए कि वो पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं, 11वें नंबर के बल्लेबाज फजल अक फारूकी ने राशिद खान को स्ट्राइक देने के बजाय ओवर खेलने की कोशिश की। ओवर की 4थी गेंद पर वो रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। अगर अफगानिस्तान 37.2 ओवरों में 293, 37.3 ओवरों में 294, 37.5 ओवर में 295 और 38 ओवर में 296 और 38.1 ओवर में 297 रन तक पहुंच जाता तो नेट रन रेट के आधार पर वो श्रीलंका से आगे निकल सकता था। ट्रॉट ने कहा कि उनकी टीम को कई नेट रन रेट परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं थी। ट्रॉट ने कहा कि हमें उन गणनाओं के बारे में कभी सूचित ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमें बस इतना बताया गया कि हमें इतने ओवर में जीत दर्ज करनी है। हमें ये नहीं बताया गया कि हम किन ओवरों में 295 या 297 तक पहुंच सकते हैं। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि हम 38.1 ओवर तक क्वालिफाई कर सकते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।